हाँ डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन है। वक्र दिया है वाई इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स और बिंदु दिया है एक्स बराबर 2। तो जो बिंदु होता है उसमें केवल एक्स नहीं होता है, एक्स की वैल्यू 2 दी है तो वाई आपको निकालना पड़ेगा। तो स्पर्श बिंदु क्या होगा? स्पर्श बिंदु क्या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। एक्स तो 2 दिया हुआ है, एक्स का मान 2 रखें तो वाई कितना आएगा? 2 का क्यूब माइनस 2 मतलब 8 माइनस 2 मतलब 6 आ गया। तो 2.6 आ गया स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता के लिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं। स्पर्श रेखा प्रवणता, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? dy/dx एट 2.6। तो पहले dy/dx निकालें, इसका यहां अलग से देखें। y है हमारा एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो इसका dy/dx निकालें तो आएगा 3x² - 1। तो ये आया, तो 3x² x की जगह 2 माइनस 1 तो कितना आ गया? ये 12 - 1 मतलब 11 आ गया। तो dy/dx हमारा ये आया और इसमें 2.6 रख दें तो dy/dx में 2.6 का मतलब ये x की जगह रखना है, ये y की जगह, तो यहाँ y तो है ही नहीं। तो 3x² - 1 तो 12 - 1 = 11 आ गया। ये पहले क्वेश्चन की प्रवणता आ गई है। अब जरा दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी के तरीके का है। इसमें भी x की वैल्यू आपको दी हुई है। x की वैल्यू क्या है? पहले स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु में x है आपका 10, तो y कितना आएगा? यहां रखिए तो 10 - 1 और 10 - 2 तो 10 - 1 आ गया ऊपर 9/8, ये आ गया स्पर्श बिंदु। ये आपका क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब इसका अवकलन कर दें x के सापेक्ष दोनों ओर, अवकलन करने पर, दोनों ओर अवकलन करना है इसका। अवकलन करेंगे तो क्या आएगा देखें जरा। करें अवकलन, करें इन लोगों को अवकलन आता है। इसका अवकलन डिवाइड रूल से होगा तो dy/dx इक्वल टू हर लिख लो पहले इनटू अंश का अवकलन माइनस अंश इनटू हर का अवकलन अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर। तो dy/dx कितना आया? x - 2 - x + 1 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर, यानी -1 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर आया। तो अब हमें प्रवणता निकालनी है स्पर्श रेखा की। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? dy/dx में अपना स्पर्श जो बिंदु है वो रख दो तो 10.9/8 तो 10 रख दो इसमें तो -1 / 10 - 2 का होल स्क्वायर मतलब -1/64। ये इसकी प्रवणता आ गई है। तो
स्पर्श रेखा की जो प्रवणता आ गई वो आई -1/64। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वह है बिंदु ज्ञात कीजिए। जहां वक्र y इक्वल टू रूट 4x-3-1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 है। Find points where slope of tangent of curve y equal to root 4x-3-1 is 2/3। ये question है आपका। तो अब इसमें आपके पास स्पर्श बिंदु नहीं है, स्पर्श बिंदु आपको पता करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम स्पर्श बिंदु मान लेते हैं। माना स्पर्श बिंदु x1, y1 है। लेट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज x1, y1। तो अब ये जो स्पर्श बिंदु होता है वो वक्र को संतुष्ट भी करता है। इसको रख दीजिए तो y1 = √4x1-3-1। ये समीकरण ए आ गए। अब आपको प्रवणता निकालनी है, तो प्रवणता तो डिवाइड x से निकलती है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। और हमारा जो वक्र है वो क्या है, वक्र है y = √4x-3-1। इसका अवकलन करें तो dy/dx इक्वल टू, इसका अवकलन कैसे करेंगे, रूट लगाए तो 1/√4x-3 इंटू, इसका अवकलन और करेंगे इंटू 4 माइनस 1 का हो गया 0। तो ये आ गया 2/√4x-3। ये आपका dy/dx आया। तो केवल dy/dx से स्लोप नहीं निकलता या प्रवणता नहीं निकलती है, उसमें जब स्पर्श बिंदु रखेंगे तो प्रवणता आप निकाल सकते हैं। तो dy/dx एट x1, y1 निकालें। तो dy/dx एट x1, y1 इक्वल टू क्या आएगा, 2/√4x1-3। तो यही तो प्रवणता है, यही आपकी प्रवणता है या स्लोप है, 2/√4x1-3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रवणता आपको दी गई है, तो प्रवणता जितनी दी है वो रख दीजिए। तो क्या आएगा, यहां पर रखिए 2/3 इक्वल टू 2/√4x1-3। ये कट गया, तो √4x1-3 इक्वल टू 3। वर्क कर दीजिए दोनों तरफ, 4x1-3 इक्वल टू 9, तो 4x1 इक्वल टू 12। इससे x1 आ गया आपका 3। तो ये x1 आ गया, और जब जो सबसे शुरू में हमने रखा था तो x1 का मान समीकरण ए में
रखने पर तो क्या आएगा, वाई वन बराबर रूट फोर इंटू थ्री माइनस वन, सॉरी माइनस थ्री माइनस वन, तो कितना आएगा ये तीन माइनस एक, मतलब दो आ गया। अतः बिंदु क्या होगा, एक्स वन आया है तीन और वाई वन आया है दो होगा। सो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज 3,2, ये इसका आंसर है। तो बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अभी। उन सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y प्लस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो की स्पर्श रेखाएं हैं। जिनकी प्रवणता दो है, फाइंड ऑल इक्वेशन ऑफ लाइंस इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व y प्लस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो इज टू, ये हमें पता लगाना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले स्पर्श बिंदु माना, माना स्पर्श बिंदु यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है आपका एक्स वन कॉमा वाई, तो ये इसमें रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, वाई वन प्लस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो यानी वाई वन इक्वल टू टू अपॉन थ्री माइनस एक्स वन। चूंकि वक्र आपका दिया हुआ है वाई इक्वल टू माइनस या टू अपॉन थ्री माइनस एक्स, तब इसका अवकलन कर दें, दोनों ओर अवकलन करने पर डिफरेंशिएट बोथ साइड्स क्या आएगा, अवकलन करेंगे तो करें जरा अवकलन, तो इसका अवकलन करें तो डिवाइड रूल से भी कर सकते हैं, इसको ऊपर ले जाके भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं, जिससे आप चाहें उससे कर सकते हैं। तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, डिवाइड रूल लगाना चाहो डिवाइड रूल लगा लो, नीचे लेकर जाना चाहो जैसे जैसे चाहो, तो थ्री माइनस एक्स इंटू टू का हो गया जीरो माइनस टू इंटू माइनस वन अपॉन थ्री माइनस एक्स का होल स्क्वायर, आ गया टू अपॉन थ्री माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये डीवाई बाई डी एक्स आया। तो डीवाई बाई डी एक्स में जब हम स्पर्श बिंदु रखते हैं तो प्रवणता बनती है,
dy by dx at x1 कॉमा y1 तो 2 अपॉन 3 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और ये जो प्रवणता है वो कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, तो 2 इक्वल टू 2 अपॉन 3 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये कट गया, तो 3 माइनस x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो दोनों ओर वर्गमूल ले लें, वर्गमूल लें क्या आएगा, 3 माइनस x1 इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो x1 आ गया 3 प्लस माइनस 1, यानी x1 की वैल्यू एक 2 आ गई और एक 4 आ गई। तो अब x की वैल्यू जब 2 है, x1 की वैल्यू जिस टाइम 2 है उस टाइम y1 क्या आएगा, y1 आएगा आपका 2 अपॉन 3 माइनस 2 मतलब 3 आ गया, और जब x1 की वैल्यू आपकी 4 है तो y1 कितना आएगा, y1 आएगा 2 अपॉन 3 माइनस 4 यानी माइनस 2 आ गया। तो आपके स्पर्श बिंदु आ गए, इससे एक तो आया 2,3, एक आया 4,-2, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि ये कर्व को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं, तभी होंगे ये स्पर्श बिंदु। तो पहला तो स्पर्श बिंदु हुआ टू कॉमा थ्री तथा दूसरा देखें 4, 2 पहला कोऑर्डिनेट होगा 2,2 और दूसरा होगा 4,-2, तो ये आ गए। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों बिंदु उस वक्र को संतुष्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दोनों कर रहे होंगे तो दोनों स्पर्श बिंदु होंगे, और एक कर रहा होगा तो एक ही स्पर्श बिंदु होगा, तो वक्र हमारा y इक्वल टू 2 अपॉन 3 माइनस x। तो रख के देखो, पहला वाला देखो, x की जगह 2 रखें तो y 2 आएगा, ठीक है, x की जगह 4 रखिए तो y 2 आएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब इस पे हमें क्या बताना है, उन रेखाओं के से, हाँ, तो अब इन दोनों बिंदुओं पर स्पर्श रेखा की समीकरण निकालनी है। तो बिंदु 2,2 पर स्पर्श रेखा की समीकरण, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2,2 क्या आएगा, वाई माइनस वाई वन, प्रवणता तो 2 ऑलरेडी दी हुई है, एक्स माइनस एक्स वन मतलब 2, तो वाई माइनस 2 इक्वल टू 2x-4, इसको पूरे को ले जाइए तो 2x-y-4+2=0, यानी 2x-y-2=0, एक तैयार है। ये तो 2-2 पे आई स्पर्श रेखा एक समीकरण। अब हम जो है 4,-2 पर देखें, पर स्पर्श रेखा की समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 4,-2, तो क्या आएगी जरा देखें, तो y-y1 की जगह आ गया 2, स्लोप है 2, x-4, तो y+2=2x-8। अब इसको जरा हल करें, तो क्या आएगा,
टू एक्स माइनस वाई माइनस एट माइनस टू इक्वल टू जीरो, अर्थात टू एक्स माइनस वाई माइनस टेन इक्वल टू जीरो, यानी टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू टेन। ये आपके चार कोमा माइनस दो, चार कोमा माइनस दो पर स्पर्श रेखा की समीकरण है। इस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं। जब आपको स्पर्श बिंदु दिया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन स्पर्श बिंदु नहीं दिया है तो पहले स्पर्श बिंदु आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर फाइव देखें। वक्र एक्स स्क्वायर अपॉन फोर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू वन पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए। जहां स्पर्श रेखा फर्स्ट एक्स अक्ष के समांतर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सेकंड है वाई एक्सिस के समांतर, पैरेलल टू वाई एक्सिस, फाइंड पॉइंट्स वेयर कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन फोर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू वन इज फर्स्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सेकेंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें स्पर्श बिंदु नहीं दिए हैं, स्पर्श बिंदु ही ज्ञात करने हैं। तो स्पर्श बिंदु ज्ञात करने हैं इसका मतलब स्पर्श बिंदु हमें पता नहीं है, तो वो हमें मानने पड़ेंगे। माना स्पर्श बिंदु एक्स वन कोमा वाई वन है। तो हमने ये कहा था जब वो जो स्पर्श बिंदु होते हैं वो वक्र को भी संतुष्ट करते हैं, तो सेटिस्फाई करा दीजिए एक्स वन वाई वन, इसमें रख दीजिए एक्स वन स्क्वायर अपॉन फोर प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू वन। ये अब जो हमारा वक्र दिया है, वक्र दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन फोर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू वन। अब दोनों ओर अवकलन कर दीजिए, दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों ओर करें, तो दोनों ओर अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, करें इसका करेंगे तो 2x अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर का आ गया 2y अपॉन 25 इंटू dy by dx इक्वल टू जीरो। तो ये 2 कट गया तो dy by dx आ गया माइनस के 25 अपॉन 4 x अपॉन y, ये आ गया। तो अब केवल डिवाइड एक से काम नहीं चलता, इसमें हम स्पर्श बिंदु रख दें, एक्स वन कॉमा वाई वन रख दिए तो क्या आ गया माइनस 25 बाई फोर एक्स वन अपॉन वाई वन।
तो अब जो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अब जो है स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस के समानांतर है, समझिए जरा, ये कोई वक्र है। अब स्पर्श रेखा ऐसे हो गई, इसकी प्रवणता तो 0 होगी, और प्रवणता का मतलब होता है डी वाई वाई डी एक्स एट एक्स वन वाई वन, ऐसे हो गई। तो पहला केस, स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समानांतर है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्स, तो क्या होगा, इसका मान 0 होगा। तो डी वाई वाई डी एक्स एट एक्स वन कॉमा वाई वन इक्वल टू 0, तो -25/4 एक्स वन अपॉन वाई वन इक्वल टू 0, इससे क्या जाएगा, एक्स वन आ गया आपका 0। तो एक्स वन 0 आया। अब इस एक्स वन के मान को जो सबसे पहले हमने जो इक्वेशन लिखी थी उसमें रख दें, एक्स वन का मान रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वन, क्या मिलेगा देखें। हमारी जो समीकरण थी वो थी एक्स वन स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 5x² y² 25 इक्वल टू 1। तो अब इसमें एक्स वन की जगह 0 रख दो, y² y² 25 इक्वल टू 1, तो y² इक्वल टू 25, तो वाई वन आ गया +-5। इससे स्पर्श बिंदु क्या आ गए, जब एक्स वन 0 है, एक्स वन 0 है तो वाई वन हो गया आपका +-5, स्पर्श बिंदु हुए जीरो कॉमा 5 तथा 0, -5। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर 0, 5 and 0, -5। ये इसका पहला पार्ट हुआ है। अब जरा दूसरा पार्ट देखें। दूसरे पार्ट में क्या है, स्पर्श रेखा वाई एच ए समानांतर है, टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो क्या होगा, डी वाई वाई डी एक्स एट एक्स वन वाई वन इक्वल टू इन्फिनिटी, क्यों होगा। जैसे मान लीजिए ये कोई कर्व है, ये ऐसे है टेंजेंट, तो इसके साथ 90 का एंगल है, और टेन 90 इन्फिनिट होगा, तो क्या आएगा, क्या आया था हमारा डिफरेंशिएशन, हमारा जो डिफरेंशिएशन आया था वो आया था -4x1/25y1। ये इनफाइनाइट कब आएगा, जब वाई वन 0 हो, वाई वन 0 रख दीजिए इसमें, वाई वन का मान x² / 4 + y² / 25 = 1 में रखने पर क्या मिलेगा, x² / 4 + 0 = 1, x² = 4, एक्स वन आ गया +-2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब हमें ये देखना है, ये बिंदु एक एक्स वन जब वाई वन आपका 0 है,
एक्स वन आया प्लस माइनस टू, इसका मतलब एक बिंदु हुआ 2,0 और दूसरा हुआ माइनस 2,0, तो ये स्पर्श बिंदु आ गए हैं और ये दोनों ही उस वक्र को संतुष्ट भी कर रहे हैं। सो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर 2,0 एंड -2,0, ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में एक चीज अलग है। वक्र एक्स इक्वल टू ए साइन क्यू टी और वाई इक्वल टू बी कॉस क्यू टी और टी बराबर पाई बाई टू पर स्पर्श रेखा का समीकरण। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व एक्स इक्वल टू ए साइन क्यू टी वाई इक्वल टू बी कॉस क्यू टी एट टी इक्वल टू पाई बाई टू। इस तरह के क्वेश्चन में जब भी एक्स और वाई टी के पदों में दिए हों तो ये खुद एक्स वन का काम करता है, ये वाई वन का काम करता है, ठीक है। तो पहले इसका डीवाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डीवाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स है आपका ए साइन क्यूब डी, इसको डी एक्स अपॉन डी टी निकालें इसका। जब एक्स और वाई किसी तीसरे पैरामीटर के टर्म्स में होते हैं तो उसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं, इसका करेंगे तो क्या आएगा, 3a sin² t कॉस टी। इसी तरीके से y जो दिया है b cos q t, तो dy by dt कितना आएगा, -3b cos² t sin t। तो अब dy by dx कितना होगा, dy by dx होगा dy by dt अपॉन dx अपॉन dt, तो क्या आएगा, -3b cos² t sin t अपॉन 3a sin² t कॉस टी। एक कॉस कट गया, एक साइन कट गया, तीन भी कट गया, तो आ गया -b अपॉन ए कॉट टी। तो ये डीवाई बाई डी एक्स आया, तो डीवाई बाई डी एक्स में अब ये टी की वैल्यू भी तो रखनी है, तो टी की वैल्यू रख दें तो डी वाई बाई डी एक्स एट टी इक्वल टू पाई बाई टू, तो क्या आएगा, -b/a और कॉस पाई बाई टू कॉट पाई बाई टू सर हो गया है। तो अब स्पर्श रेखा की समीकरण है यदि हम निकालनी है, स्पर्श रेखा की समीकरण, तो y माइनस वाई वन बराबर डी वाई वाई डी एक्स एट टी इक्वल टू पाई बाई टू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस बी कॉस क्यूब टी इक्वल टू ये 0 हो गया, एक्स माइनस ए साइन क्यू टी। तो टी की यदि वैल्यू हम रख दें इसमें, तो टी की वाई आया ये हमारा बी कॉस क्यूब टी, लेकिन टी की वैल्यू हमारी है पाई बाई टू, तो वाई इक्वल टू बी कॉस क्यूब पाई बाई टू, यानी वाई इक्वल टू 0 आ गया।
ये आपकी स्पर्श रेखा की समीकरण हुई। ठीक है, तो आज के लिए आप होमवर्क लिख लें। आज का होमवर्क है वक्र 2x² - y² = 14 पर सरल रेखा x+3y = 6 के समानांतर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करें। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पैरेलल टू लाइन x+3y = 6 टू कर्व 2x² - y² = 14। ये आज का होमवर्क है, और जो कल का होमवर्क था वो आज हमने क्लास में डिस्कस कर दिया है, इसलिए उसको आप देख लें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।